इस नए साल में इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल जैसी कंपनियां कमाल कर रही हैं। बैक टू बैक सस्ते बजट रेंज में बेहतरीन स्मार्टफोन को लॉन्च कर रही है। इससे तो यही लगता है कि साल के अंत तक ये रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो जैसी कंपनियों को भी पीछे छोड़ देगी। तो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर मैं करता हूँ मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग और कंपेरिजन, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों आज की इस वीडियो मैं लेके आया हूं टेक्नो, इन्फिनिक्स और आईटेल कंपनी के 7000 रुपए से नीचे की रेंज में चार बेहतरीन स्मार्टफोन, जिसमें हमारे पास है टेक्नो पॉप सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन टेक्नो पॉप 8, इन्फिनिक्स स्मार्ट सीरीज का स्मार्ट 8 SD, टेक्नो स्पार्क सीरीज का टेक्नो स्पार्क गो 2024 और आईटेल की A सीरीज का A70। इन सभी स्मार्टफोन के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे और सबका कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी स्मार्टफोन के प्राइस को जान लेते हैं। दोस्तों टेक्नो पॉप 8 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको मिलेगा 6499 रुपए में। इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 SD 3GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 6299 रुपए का मिल रहा है। वहीं टेक्नो स्पार्क गो 2024 3GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 6699 रुपए का मिल रहा है और आईटेल A70 4GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ मिल रहा है दोस्तों 6799 रुपए। और अगर आपको थोड़ा और स्टोरेज चाहिए तो 7000 से थोड़ा ऊपर खर्च करना पड़ेगा। 7299 रुपए में आपको इसका 256GB वाला वेरिएंट मिल जाएगा। तो सभी स्मार्टफोन के बॉक्स आपको अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे, टेक्नो पॉप और आईटेल A70। तो मोबाइल का डिजाइन भी बॉक्स पर दिखा रहे हैं दोस्तों। इन्फिनिक्स और टेक्नो स्पार्क पर आपको मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर देखने को नहीं मिलता है। बैक साइड में कुछ हाईलाइट फीचर्स को भी मेंशन किया गया है, जिनके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहां पर रेगुलर लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बॉक्स एसेसरीज से। तो सभी स्मार्टफोन फोन को सेफ्टी देने के लिए कवर दे रहे हैं अलग अलग टाइप के। टेक्नो पॉप और टेक्नो स्पार्क में तो आपको फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन के कवर मिलते हैं। इन्फिनिक्स स्मार्ट दे रहा है क्रिस्टल क्लियर हार्ड कवर और आईटेल A70 में आपको एक अलग ही टाइप का कवर मिलेगा, ब्लैक कलर का, काफी स्टाइलिश और ये भी काफी फ्लेक्सिबल कवर है। इसके अलावा जो चार्जर अडाप्टर है वो सभी स्मार्टफोन में आपको एक जैसे ही देखने को मिलेंगे। सभी स्मार्टफोन कंपनियां भाई भाई हैं दोस्तों, एक ही कंपनियां है तो एक ही जगह इनके चार्जर को भी बनाया जाता है। तो 10 वॉट के ही चार्जर अडाप्टर मिलेंगे 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ और जो यूएसबी केबल है वो सभी में व्हाइट कलर की मिलेगी, टाइप ए टू टाइप सी। इसके बाद हम आते हैं स्मार्टफोन्स पर। तो सभी स्मार्टफोन का जो साइज है वो एक जैसा मिलेगा। आईटेल A70 को छोड़ के सभी स्मार्टफोन में पंच होल डिस्प्ले मिलती है दोस्तों और यहाँ आईटेल दे रहा है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले और सभी स्मार्टफोन में आपको आईफोन जैसा डायनेमिक आइलैंड भी देखने को मिल जाता है। जब कोई नोटिफिकेशन या फिर आप इसे चार्जर से कनेक्ट करोगे तो वहाँ आपको ये डायनेमिक आइलैंड टाइप का देखने को मिलेगा, जिसका अलग अलग नाम रखा गया है दोस्तों, डायनेमिक बार या फिर मैजिक रिंग। और सभी स्मार्टफोन पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी मिल जाता है। वहीं बैक साइड का लुक देखिए, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आते हैं सभी स्मार्टफोन, बिल्कुल फ्लैट बैक। अलग अलग डिजाइन सभी स्मार्टफोन में आपको दिख रहा होगा दोस्तों। टेक्नो पॉप 8 में तो काफी अच्छी लाइनिंग नजर आ रही है दोस्तों, लाइट का हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और इन सभी स्मार्टफोन में एक खास चीज है जो आपको नजर आ रही होगी, वो है इनका कैमरा मॉड्यूल। कैमरा मॉड्यूल आपको सभी स्मार्टफोन का आईफोन से इंस्पायर होके बना हुआ दिखेगा दोस्तों और लेंस हल्के उठे हुए हैं दोस्तों, ट्रिपल लेंस दिए गए हैं लेकिन कैमरा काम का एक ही मिलेगा दोस्तों, जिसमें है मीन प्राइमरी कैमरा। वो दोस्तों आपको टेक्नो पॉप दे रहा है 12 मेगापिक्सल का, बाकी सभी स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। दूसरा AI लेंस कैमरा या सपोर्टर कैमरा हम बोल सकते हैं। तीसरे लेंस पर LED फ्लैश लाइट को फिट किया गया है और फ्रंट में सभी स्मार्टफोन आपको दे रहे हैं 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। सभी स्मार्टफोन के कॉर्नर चारों तरफ से राउंडेड है और साइड पैनल है बिल्कुल फ्लैट, जहां राइट साइड में मिलेगी आपको पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स और पावर ऑन की पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी सभी स्मार्टफोन में दिया गया है। ऊपर की साइड
इन्फिनिक्स और आईटेल में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो टेक्नो के स्मार्टफोन है उनमें आपको स्पीकर ग्रिल नजर आ रहा होगा दोस्तों। यहां आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट मिल जाता है टेक्नो के स्मार्टफोन में, ऊपर भी स्पीकर, नीचे की साइड भी स्पीकर। लेफ्ट साइड में तो सिम ट्रे नजर आ रही है जहां दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं सभी स्मार्टफोन में, और बॉटम में भी सभी स्मार्टफोन का सेटअप एक जैसा है दोस्तों, जहां 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल्स दिए गए हैं। सभी स्मार्टफोन ऑलरेडी बूटेड है और इनकी जो ब्राइटनेस है ये भी हमने फुल करके रखी हुई है, तो अंडर 500 निट्स तक की ब्राइटनेस मिल जाती है सभी स्मार्टफोन में। कलर्स बहुत बढ़िया हैं डिस्प्ले में, आप यहां पर देख सकते हैं। और जो एज और बेजल्स हैं दोस्तों, कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं लेकिन नीचे चिन है वो थोड़ी सी ज्यादा आपको नजर आएगी। अब सभी स्मार्टफोन का जो यूजर इंटरफेस है वो भी एक जैसा है, स्क्रॉल अप करते ही सारे के सारे एप्लीकेशन आपको नजर आ जाएंगे, और प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ यहां पर ब्लूटूथ एप्लीकेशन जो कि अनइंस्टॉल तक नहीं होती, हालांकि आप इनको डिसेबल जरूर कर सकते हैं। टच सभी का स्मूथ और फास्ट मिल जाता है। यहां पर आईटेल A70 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, लेकिन जो बाकी के सभी स्मार्टफोन हैं इनमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। अब बात करते हैं सभी स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की, तो टेक्नो पॉप और टेक्नो स्पार्क में तो मिलती है आपको 6.56 इंच की HD प्लस डिस्प्ले, बाकी इन्फिनिक्स और आईटेल में मिलती है 6.6 इंच की HD प्लस डिस्प्ले। सभी में IPS LCD का पैनल दिया गया है, एस्पेक्ट रेशो है 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1612 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी टेक्नो के स्मार्टफोन में 269 PPI की और इन्फिनिक्स और आईटेल में 267 PPI की मिलती है। हाइट है सभी स्मार्टफोन की 163.6 mm के अराउंड, और थिकनेस बिल्कुल सेम 8.5 mm की। वेट है टेक्नो के स्मार्टफोन का 186 ग्राम और इन्फिनिक्स और आईटेल का है 184 ग्राम, और सभी स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। अब दोस्तों सभी स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, तो यहां पर आईटेल A70 नए प्रोसेसर के साथ आता है जो है 1.8 GHz का ऑक्टाकोर, बाकी के सभी स्मार्टफोन में 1.6 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। चिपसेट भी आपको आईटेल में अलग मिलता है यूनिसोक 603, जबकि यूनिसोक T606 का चिपसेट आपको बाकी के सभी स्मार्टफोन में दिया गया है। सभी स्मार्टफोन बेस्ड हैं 12 nm के फैब्रिकेशन पर, माली G57 के ग्राफिक दिए गए हैं सभी स्मार्टफोन में, कैमरा डिटेल्स आपको नजर आ रही होगी। इसके बाद रैम मैनेजमेंट को देखिए दोस्तों, यहां पर सभी स्मार्टफोन की रैम शो हो रही है जो एक्चुअल रैम है, प्लस यहां पर वर्चुअल रैम को भी सपोर्ट किया गया है। तो रैम पर अगर आप क्लिक करोगे तो रैम को सीधा मैम फ्यूजन को ऑन करके दुगना तक ले जा सकते हैं यहां पर, इवन यहां पर जो आईटेल है उसमें तो आप दुगना क्या तिगुना तक ले जा सकते हैं, पूरा 8GB रैम सपोर्ट मिल जाता है आपको आईटेल के स्मार्टफोन में। रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप आपको टेक्नो और इन्फिनिक्स में UFS 2.2 और टेक्नो स्पार्क और आईटेल A70 में eMMC 5.1 का दिया गया। तो फ्रेंड्स ये थे 7000 रुपए से नीचे की रेंज में आने वाले चार बेहतरीन स्मार्टफोन। सभी स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो सभी स्मार्टफोन के कैमरा है वो भी आपको प्राइस के हिसाब से अच्छे मिल जाते हैं, ये बस थोड़ा आईटेल A70 का कैमरा मुझे ज्यादा कोई खास नहीं लगा। बाकी सभी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग भी मैं चैनल पर ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मेरे हिसाब से 7000 रुपए के नीचे आपकी चॉइसेस के हिसाब से बने हुए हैं सभी स्मार्टफोन। अगर आपको नॉर्मल यूज के लिए एक बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपने चलाना हो यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन, तो ये इजिली चला लेंगे दोस्तों। या फिर आप ऑनलाइन STD करते हो, क्लासेस ज्वाइन करते हो, तब भी ये स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेंगे। और हमारे पेरेंट्स अब फीचर्स फोन से शिफ्ट हो रहे हैं स्मार्टफोन की ओर, उन्हें भी अब यूट्यूब चलाना है, गूगल पे चलाना है, सारा कुछ चलाना है, उन्हें न्यूज देखनी है, गाने सुनने हैं, तो उनके लिए भी ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा बढ़िया है। और अगर आप थोड़े बहुत गेमर्स हो दोस्तों, प्रो लेवल की गेमिंग करते हो, गेमिंग के लिए स्मार्टफोन देख रहे हो, तब तो इन्हें स्किप कर दीजिए, क्योंकि गेम तो चल जाएंगे दोस्तों, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम खेलते हो तो फोन लैग करेगा, हीटिंग इशू आ जाएगा जिससे आप ही परेशान होंगे। गेमिंग के लिए अलग फोन बने हुए हैं दोस्तों, ये गेमिंग के लिए नहीं कह सकते हम इन फोन को, छोटे मोटे गेम तो चल ही जाते हैं टाइम पास वाले। बाकी दोस्तों अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी।